हेलो एवरीवन, दिस इज कैडी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पर आज हम प्रोनाउंस के अंतर्गत करेक्ट यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की अपनी क्लास ऐड करने जा रहे हैं, जिसमें हम नाउन से रिलेटेड कुछ ऐसे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड भी है। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा रूल नंबर 11 है, जिसमें क्या बता रहा है कि दो नाउन होंगे, दोनों कैसे होंगे भाई साहब, सिंगुलर नाउन होंगे और एंड से कनेक्टेड होंगे। दो नाउन किससे जुड़े हुए होंगे, एंड से जुड़े हुए होंगे। दो नाउन होंगे तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ये एक सेंटेंस की बात हो गई। अगर फिर आगे नया सेंटेंस शुरू हो तो क्या करेंगे, तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, इस बारे में आप जानते ही हो। अब बात यह है कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, तो सीधी सी बात है प्लूरल प्रोनाउन आएगा, और प्लूरल प्रोनाउन में सबसे बड़ा कौन सा होता है, आपका दे होता है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट देम, देयर्स, देम सेल्वेज, और फिर एडजेक्टिव के रूप में आपका देयर आएगा, तो उसके बाद में नाउन भी आएगा। ये सब कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार आ रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल से इन्हें और भी अच्छे से समझते हैं। देखिएगा जरा, यहाँ लिखा हुआ है जोया एंड सोहन, दो नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, ये भी आपका सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो दो नाम दिए हुए हैं भाई साहब, तो इनके लिए प्रोनाउन दे का यूज करेंगे, सही है ना। इसके अलावा अगर और कुछ आता है तो गलत हो जाएगा। दे अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे। ठीक है, और ये वैसे भी पैसिव में है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, ये थर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ बाई लगा हुआ है, मतलब पैसिव वॉइस है, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है, ये अपना सिंगुलर नाउन है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एडजेक्टिव के रूप में देयर का यूज करेंगे, तो अपना सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे और देखिए, बोथ अदित्य प्रिया एंड निकिता आर टायर्ड, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं नाउन। ठीक है, ये सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया, और यहाँ हमको क्या करना है, प्रोनाउन भरना है, तो कौन सा प्रोनाउन भरेंगे, कि सर दे प्रोनाउन भर देंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो हैज है तो ये गलत हो गया, इसकी जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। इज इट क्लियर। अगला देखिए, राहुल राज एंड कृष्णा वांट टू गो होम, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन, ये आपका सिंगुलर नाउन, और एंड से जुड़ा हुआ, ये आपका सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर बट दिया हुआ है, तो इसका मतलब इनकी बात हो रही है, लेकिन वे नहीं जा सके, तो एक दो तीन, दो तीनों को हम किस रूप में बता सकते हैं, इन तीनों के नाम ना लेकर हम दे बोल सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज करके सेंटेंस को सही किया जा सकता है। इज इट क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं इसके अगले कंसेप्ट की ओर। आप एक एक कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है और आपको आसान से समझ में भी आ जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम रूल नंबर 12। इससे पहले दो नाउन थे और एंड से जुड़े हुए थे, लेकिन वर्ब कैसी आ रही थी, प्लूरल। अब देखो वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर। ये सिंगुलर क्यों आ रही है ये पता करना है, तो आपका जो फर्स्ट नाउन होगा, अगर उससे पहले आपको पजेसिव एडजेक्टिव दिख जाए या कोई आर्टिकल दिख जाए, पहले वाले नाउन के साथ कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो आगे जाके वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ठीक है, ये एक सेंटेंस आपका खत्म हो जाएगा, तो नया सेंटेंस जो शुरू होगा, जो नया सेंटेंस शुरू होगा उसमें जो प्रोनाउन आएगा सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ही आएगा, हिम आएगा या हिमसेल्फ आएगा, और एडजेक्टिव के रूप में हिज, और उसके बाद में नाउन का यूज होगा। क्यों होगा, क्या कारण है, ये जो फॉर्मेट है ना आपका आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव जो फर्स्ट नाउन के पहले आ रहे हैं, इसका मतलब होगा कि वाक्य में किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है,
किसी एक व्यक्ति के बारे में ही बताया जा रहा है। जैसे इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं, देखिए ये आपका आर्टिकल आ गया, ये आपका नाउन है, ये एंड से जुड़ा हुआ है और फिर ये नाउन है। तो इसका मतलब ये दोनों जो काम दो व्यक्ति है ना, ये एक ही है, कोई एक व्यक्ति है जो इन दोनों का काम कर रहा है। तो इसका मतलब आगे जाकर हमें क्या देखनी है, वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब ये सही है। इसके बाद में देखो प्रोनाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, इसका मतलब देयर भी गलत होगा और इट्स भी गलत होगा। तो इसकी जगह यूज किसका करेंगे, आगे क्या आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है तो हिज का यूज करेंगे। अगर हिज कर देंगे तो अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, जिसे और भी अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल आ गया, द लिखा हुआ आर्टिकल मिल गया, मजिस्ट्रेट आ गया, मतलब ये आपका नाउन हो गया, ये एंड आ गया, और कलेक्टर लिखा हुआ है, ये आपका फिर से नाउन आ गया। दो नाउन है, पहले वाले नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल, मतलब जो मजिस्ट्रेट है वही अपना क्या है, कलेक्टर भी है। दोनों किसकी बात हो रही है, एक ही व्यक्ति की अलग अलग बात हो रही है कि मजिस्ट्रेट भी है और कलेक्टर भी है। तो ठीक है, हैव प्रीपेड हिज स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखो भाई, दो नाउन है और अब पहले वाले नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब किसी एक की बात हो रही है, तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, इसका मतलब हैव अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, तो अपना सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर। अगला देखिए, द पोइट, पोइट आपका नाउन, ये आपका आर्टिकल फर्स्ट नाउन से पहले, ठीक है, एंड आ गया, मिल गया, ठीक है। फिर इधर देखो थिंकर, ये अपना नाउन आ गया, फर्स्ट नाउन से पहले क्या लगा हुआ, आर्टिकल, मतलब किसी एक की बात हो रही है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इसका मतलब ये सही है। एक्सप्रेस, यहाँ प्रोनाउन इट्स नहीं आएगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे, हिज व्यू क्लियरली, तो हिज करेंगे तो अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो चलिए बात करते हैं रूल नंबर 13, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा। रूल नंबर 13 में क्या है, दो नाउन होंगे आपके सिंगुलर नाउन, किससे जुड़े हुए होंगे, एंड से। लेकिन अब जो बात बताने जा रहा हूं ना, उसको ध्यान से सुनो, इस नाउन से पहले भी आर्टिकल भी आएगा या कोई पजेसिव एडजेक्टिव, दोनों में से कोई भी आ सकता है भाई, इधर भी यही सवाल है। दोनों नाउन के पहले अगर आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान देना, इससे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, इसलिए वर्ब प्लूरल और आगे आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। लेकिन अगर पहले नाउन के पहले एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल हो और सेकंड नाउन से पहले कुछ भी ना हो, केवल एंड से कनेक्ट हो, तब किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। यहाँ किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। और प्लूरल प्रोनाउन कौन से यूज होंगे, कौन सी एडजेक्टिव आएगी, ध्यान देना, दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स, देयर प्लस नाउन, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। चलिए और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये आपका नाउन हो गया, ये आपका आर्टिकल आ गया, ये एंड से जुड़े हुए हैं, फिर आपका आर्टिकल आ रहा है और फिर आपका नाउन आ रहा है, आ गई बात समझ में, दोनों नाउन किससे जुड़े हुए हैं, आर्टिकल, और बीच में कनेक्टेड के रूप में एंड आ रहा है, इसका मतलब वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। इसमें तो वर्ब का तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ प्रोनाउन जो दिया हुआ है, हिज ड्यूटी, ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा भाई, हिज ड्यूटी की जगह क्या आएगा, देयर ड्यूटी, देयर ड्यूटी, इस प्रकार ये अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। हिज ड्यूटी की जगह हमें क्या करना होगा, देयर ड्यूटी। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है, ये आपका आर्टिकल आ गया, ये आपका नाउन, ये आपका एंड आ गया, ये फिर से आर्टिकल, ये फिर से नाउन, इसका मतलब नाउन से पहले इधर भी आर्टिकल है, इधर भी आर्टिकल है, मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, हैज की जगह क्या आएगा, हैव आएगा। इज इट क्लियर। हिज की जगह देखो, आगे हिज दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, ठीक है, देयर रिजिग्नेशन, इस प्रकार होगा। अगला देखिए,
द आया हुआ है फिर नाउन आर्टिकल नाउन, एंड से कनेक्टेड है आर्टिकल नाउन, मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है तो वर्ब कैसी प्लूरल, तो हैज की जगह क्या आएगा हैव, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है, हिमसेल्फ गलत होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा देमसेल्वेज, क्या आ जाएगा देमसेल्वेज, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो तो हम किसका यूज करते हैं दे देयर देमसेल्वेज देयर्स, इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं, प्रोनाउंस का यूज करते हैं, इज इट क्लियर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, तो चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 14, रूल नंबर 14, ईच या एवरी होगा, कोई नाउन होगा उसी प्रकार आपका दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन उनसे पहले अगर आपको ईच या एवरी देखने को मिलता है तो आपकी वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी सिंगुलर, दो नाउन एंड से जुड़े हुए होंगे, उन दोनों नाउन में से फर्स्ट नाउन से पहले अगर ईच या एवरी देखने को मिलता है तो वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन विल बी यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बट सिंगुलर, किसके अकॉर्डिंग आएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे लेकिन सिंगुलर ही आएंगे, किस प्रकार आएंगे देखो, अगर थिंग की बात हो किसी वस्तु की तो इट वाले प्रोनाउन आ जाएंगे इट इट्स, ठीक है इट्स हेल्प, अगर किसी मेल की बात हो रही है तो आप ही हिज हिमसेल्फ उनका यूज कर लेंगे, अगर किसी फीमेल की बात हो रही है तो सी हर हर्स हरसेल्फ इस प्रकार की यूज करेंगे। चलिए और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ईच या एवरी, ईच या एवरी नाउन सिंगुलर एंड फिर ईच या एवरी नाउन सिंगुलर, दो नाउन होंगे और दोनों ईच एंड एवरी, दोनों से पहले क्या होगा ईच और एवरी आ सकता है, दो नाउन एंड से जुड़े हुए होंगे और दोनों नाउन से पहले अगर ईच या एवरी देखने को मिलता है तो आपकी वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आएगी सिंगुलर, आ गई बात समझ में, चाहे ईच या एवरी कैसे भी लगा हुआ हो लेकिन वर्ब कैसी आने वाली है सिंगुलर, वर्ब कैसी आने वाली है सिंगुलर, और प्रोनाउन किस प्रकार यूज होंगे ये आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है। चलिए एग्जाम्पल से और भी अच्छे से समझते हैं, एवरी आ गया फिर आपको नाउन मिल रहा है, ये एंड से जुड़ा हुआ है एवरी फिर से आ रहा है, ठीक है, और फिर आपको नाउन देखने को मिल रहा है तो मतलब यहां भी है और यहां भी है तो वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर, इसका मतलब ये सही है यहां तक, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे देखा इट्स और देयर्स, इट्स आ रहा है और देयर आ रहा है तो देयर तो आएगा नहीं क्योंकि वर्ब सिंगुलर है तो ये आएगा नहीं, इट्स के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा नाउन कैसा है, तो देखो सोल्जर और जो सेलर है इनको पुराने जमाने में क्या माना जाता था मेल के रूप में ही जाना जाता था, मेल के रूप में लोग कार्य करते थे तो उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश हम मेल वाले जो प्रोनाउंस है उनका यूज करेंगे, तो यहाँ पर इट्स भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हिज आ जाएगा क्योंकि आगे आपको नाउन दे रखा है तो एडजेक्टिव क्या आ जाएगा आपका ही जा जाएगा, अगली बात समझ में और समझो। अगला देखिए आपको एवरी देखने को मिल रहा है, नाउन कैसा है सिंगुलर, ठीक है एंड मिल गया फिर आपको एवरी देखने को मिल गया नाउन कैसा सिंगुलर, दो नाउन है ना और दोनों किससे जुड़े हुए हैं एवरी से, मतलब आगे वर्ब तो वर्ब तो डिड ये सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट में टेंस बना हुआ है लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन देखेंगे इस नाउन से पहले, ठीक है प्रोनाउन देखेंगे तो ये अपना गलत होगा क्योंकि इट्स नहीं आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हिज लिखेंगे, जो बात मैंने आपको पहले बता दी कि हिज क्यों लिखा गया है, ठीक है। अगला देखो ईच लिखा हुआ है फिर नाउन कैसा सिंगुलर, फिर एंड से जुड़े हुए है फिर नाउन कैसा सिंगुलर, दो नाउन है और किससे जुड़े हुए है ईच से जुड़े हुए है, मतलब फर्स्ट नाउन से पहले ईच आया है तो आगे वर्ब, वर्ब में कुछ देखना नहीं है, शुड ट्राई टू हेल्प देयर, ये देयर गलत हो गया। अब यहाँ पर वुमन की बात भी हो रही है मैन की बात भी हो रही है तो यहाँ पर समस्या खड़ी हो गई कि क्या लिखें, तो आप यहाँ पर हिज भी कर सकते हो और हर भी कर सकते हो, दोनों ही सही माना जाएगा या आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग
इनको कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो चलिए अब बात करते हैं अगले रूल की, रूल नंबर 15। दो या दो से अधिक नाउन हो लेकिन वो किस प्रकार हो, उन दोनों के बीच में और आ जाए, आइदर या और से कनेक्टेड हो दोनों नाउन, नाइदर या नॉट से कनेक्टेड हो, इसको नीदर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर प्रोनाउन आएगा और वर्ब आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर। बात समझ में आ गई? और से जुड़े हुए है वो दो नाउन, आइदर और, नाइदर नॉर, कुछ भी आ जाए, दो या दो से अधिक नाउन अगर इन शब्दों से जुड़े हुए हैं तो आपकी वर्ब सिंगुलर आएगी, प्रोनाउन सिंगुलर आएगा। किस प्रकार? देखिए एग्जाम्पल, कालू और जुगनू और से जुड़े हुए हैं दो नाउन, ठीक है। हेज वर्ब सिंगुलर आ गई, इसका मतलब ये सही हो गया, लेकिन यहाँ प्रोनाउन देखो देयर प्लूरल आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। कौन है? कालू और जुगनू। कोई मेल है, इसका मतलब यहाँ पर हिज लिखेंगे तो सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर हर लिखते हैं तो भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मेल पर्सन की बात हो रही है भाई। ये भी आपको समझना पड़ेगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगला देखिए, आइदर आ रहा है, यहाँ पर फिर नाउन आ गया और, आइदर और फिर नाउन, दो नाउन किससे जुड़े हुए हैं? आइदर और से। फॉरगेट आ गया, वर्ब आ गया टू टेक हिज पेन, तो यहाँ पर सुमन है, अनामिका है, मतलब फीमेल की बात हो रही है, तो हिज गलत हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? हर पेन हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगला देखिए, नाइदर आ गया, मोनू ये नाउन आ गया, नोर और सोनू दो नाउन है, नोर और नाइदर से जुड़े हुए है, नीदर और नोर से जुड़े हुए है, मतलब वर्ब कैसी? सिंगुलर। तो यहाँ पर हैव गलत होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? हैज डन हिज वर्क, मतलब मेल है, तो इसका मतलब हिज अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं अगला जो रूल है, रूल नंबर 16। एक नाउन सिंगुलर और एक नाउन प्लूरल हो और वो और से जुड़े हुए हो, आइदर या और से जुड़े हुए हो, नीदर या नॉर से जुड़े हुए हो, तो वर्ब कैसी? प्लूरल। प्रोनाउन कैसा? प्लूरल। यही डिफरेंस जानना आपको, यही डिफरेंस जानना है कि एक नाउन सिंगुलर एक प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल। यदि दोनों नाउन और आइदर नाइदर इनसे जुड़े हुए हो, दोनों नाउन सिंगुलर हो, तो वर्ब भी सिंगुलर। समझ में आ गई बात? यही बात है, इसको नोट कर लेना, जिससे डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आइदर आ गया तो मतलब और भी आएगा, ये रहा, ये आपका नाउन, ये आपका नाउन, दो नाउन है, ये आपका नाउन सिंगुलर है, द मैनेजर। किसी भी सबसे पहले अगर आर्टिकल लगा हुआ है मतलब वो नाउन है, ये याद रख लेना। यहाँ पे क्या आ गया? पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद में हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन ये असिस्टेंट्स प्लूरल नाउन है। कैसा है? प्लूरल नाउन, तो मतलब वर्ब, वर्ब के यहाँ सेकंड फॉर्म दी हुई है। इन हिज ड्यूटी, हिज नहीं आएगा, दे ड्यूटी आएगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल हो गए भाई साहब, क्या हो गए? प्लूरल हो गए नाउन, तो यहाँ पर प्रोनाउन भी प्लूरल ही आएगा। अगला देखिए, नीदर तो नोर भी आएगा, ये नाउन आपका सिंगुलर, हिज ये आपका एडजेक्टिव और इसके बाद में नाउन आता है, फ्रेंड का प्लूरल बना हुआ है फ्रेंड्स, इसका मतलब आपका आगे जाके प्रोनाउन प्लूरल आएगा, हिज गलत हो जाएगा, देयर फॉल्ट। इस प्रकार से ये कंसेप्ट हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 17। यदि दो नाउन एज वेल एज या विद के साथ जुड़े हुए हों, दो नाउन आ जाए एज वेल एज और विद के साथ जुड़े हुए हों, तो पहले वाले नाउन के अनुसार, जो फर्स्ट नाउन होगा ना उसके अनुसार वर्ब आएगी, उसके अनुसार ही प्रोनाउन आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, देखो रिंकू एज वेल एज, क्या आ गया? एज वेल एज आ गया, ठीक है। हर फ्रेंड्स आर डूइंग देयर वर्क, रिंकू क्या है भाई? नाउन है। कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, तो आर गलत हो जाएगा, इज आएगा। रिंकू गर्ल है तो देयर गलत होगा, क्योंकि नाउन सिंगुलर है,
और गर्ल है तो क्या आएगा, हर हो जाएगा। अभी बात समझ में, एज वेल एज से दो नाउन जुड़े हुए हैं, ये भी आपका नाउन है क्योंकि यहाँ पे देखो एडजेक्टिव आ रहा है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, ये नाउन प्लूरल है। लेकिन एज वेल एज आने के कारण फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स, आगे देखो एज वेल एज आ रहा है और स्टूडेंट्स नाउन कैसे आ गया प्लूरल, वर्ब कैसी आएगी प्लूरल। ये देयर टीचर्स, ये भी नाउन कैसे आ गया प्लूरल, यहाँ तो दोनों ही प्लूरल हो गए तो वर्ब कैसी आएगी प्लूरल, इसका मतलब ये सही हो गया। लेकिन हिज प्रोनाउन गलत हो गया क्योंकि ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हम देयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देयर वर्क हो जाएगा और ये अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, द गर्ल लिखा हुआ है, विद आ गया और यहाँ पर देयर पेरेंट्स, यहाँ ध्यान देना किसकी बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है, तो देयर थोड़ी आएगा, लड़की के पिता मतलब हर पेरेंट्स, इस प्रकार हो जाएगा। वर्ब कैसी सिंगुलर आ रही है, गोन टू सी ए मूवी, इस प्रकार अपना ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला देखिए, द चिल्ड्रन विद, अब किसी वस्तु की बात थोड़ी हो रही है तो इट्स क्या हो जाएगा, गलत, चिल्ड्रन क्या है, देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर पेरेंट्स हो जाएगा। हेज की जगह क्या आएगा, चिल्ड्रन प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी प्लूरल, तो हेज की जगह क्या हो जाएगा, हैव गॉन टू ए पिकनिक, इस प्रकार ये अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, तो चलिए अब बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल क्या है, 18 नंबर का रूल है अपना, आपको मैनी देखने को मिलेगा, इसके बाद में अगर आपको ए या एन देखने को मिलता है तो आपका नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और आगे प्रोनाउन भी कैसा आएगा, सिंगुलर, कैसे आएगा समझो, मैनी आ गया, ए आ गया, फिर आपका नाउन कैसा आ रहा है, सिंगुलर, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। मैट देयर, अब देखो प्रोनाउन कैसा आ गया, प्लूरल आ गया, तो कैसा आना चाहिए, सिंगुलर, तो हम हिज कर देंगे। अब यहाँ पर हिज क्यों आया, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सोल्जर से पहले कौन बनते थे, व्यक्ति बनते थे, इसलिए ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग हिज का यूज किया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में हिज ना मिले और हर मिले तो वो भी आज के इस मॉडर्न एज में सही माना जाता है, तो देयर अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, हिज आ जाएगा। अगला रूल देखो, समझना इसे ध्यान से, पहले इस रूल के बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, इसलिए ध्यान से देखिए, दो या दो से अधिक नाउन सिंगुलर नाउन, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन से जुड़े हो तो भी वर्ब सिंगुलर, दो या दो से अधिक नाउन हो ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, मतलब एन से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हो, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो तो भी वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन सिंगुलर आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, देखो क्योंकि दोनों नाउन किसी में किसी की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का कार्य करेंगे, कैसे करेंगे, देखो मिस्टर सुधीर कुमार, बात किसकी हो रही है भाई, सुधीर कुमार की, जो क्या है, मेरा सीनियर भी है और मेरा प्रोप्राइटर भी है, दोनों काम कौन कर रहा है, सीनियर होने का और प्रोप्राइटर होने का, मिस्टर सुधीर कुमार ऑफ लूसेंट पब्लिकेशन, लूसेंट पब्लिकेशन इज नोन, मतलब किसकी बात, ये किसके लिए है, मिस्टर सुधीर कुमार के लिए, इज किसके लिए आ रहा है, ये सुधीर कुमार है ना आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके लिए आपकी वर्ब क्या आ रही है, सिंगुलर, कुछ समझे। अब आगे देखो फॉर देयर, अब देखो भाई सिंगुलर वर्ब आ रही है तो देयर के क्या काम है, तो यहाँ पर सुधीर कुमार क्या है, मेल है, तो इसके लिए हम इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयर की जगह अपना क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है, हिज अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगला देखिए, दिल्ली द ब्यूटीफुल सिटी एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया, दो अलग अलग बातें हो रही हैं, ब्यूटीफुल सिटी भी है और इंडिया की कैपिटल भी है, लेकिन फिर भी इज आ रहा है भाई, इज क्यों आ रहा है, दिल्ली तो एक ही है ना, दिल्ली के लिए किसका यूज हुआ है, दिल्ली इज फेमस फॉर, अब दिल्ली कोई औरत या पुरुष तो है नहीं कि ही इज लगाए, ना ही प्लूरल है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इट्स आएगा, नोट कर लेना इस चीज को, क्या आएगा, इट्स आएगा, इट्स हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, तो इस प्रकार ये अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। इज इट क्लियर?
तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।